दौरंदा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के उम्मीदवार कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह का लगातार दौरा जारी है। आपको बताते चले कि कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह के साथ समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वही कर्णजीत सिंह ब्यास सिंह का कहना है कि इस बार हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं, बल्कि पिछले बार जितने वोटों से हम चुनाव जीते थे उससे डबल वोट से इस बार चुनाव लोग हमें जीता करके फिर से एक बार विधायक बनाएंगे। कर्णजीत सिंह ने यह भी कहा कि मुझे 7 से 8 महीने तक समय ही मिला और उतने ही समय में मैंने जो दौरंदा के लिए किया है जनता ने वाकई उसकी तारीफ भी की है और समय अब फिर से एक बार जनता दे रही है। मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, बहुत लोग मॉडल बनाने का झूठा वादा किए, लेकिन मैं दौरंदा को मॉडल नहीं बल्कि एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा ताकि बिहार में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन हो। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं दौरंदा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार कर्णजीत सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, ये लगातार दौरे पे हैं, कुछ दिनों से इनका दौरा लगातार चल रहा है दौरंदा विधानसभा क्षेत्र में। कर्णजीत जी, ये बताइए कि देखा जा रहा है कि एनडीए के ही मंच पे कविता जी नहीं पहुंच रही है, नीतीश कुमार की सभा में जो आप ही के पार्टी की जो एमपी है वो नहीं पहुंच रही है, क्या मानते हैं आप?
कि कौन सी बड़ी बात है, कोई कारण होगा, कोई विशेष परिस्थिति होगा, कहीं अस्वस्थ होगी, कहीं सीमान से बाहर होंगी, कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए नहीं होगी। ये तो आप उनसे पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रही हैं आप। ये वैसे व्यक्ति विशेष से पार्टी नहीं चलता है, संगठन जो है, संगठन के जो जिला के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सब लोग थे मंच पे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जिला के अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो कहाँ इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये बताइए, लगातार देखा जा रहा है कि अजय जी जो है वो आप लोगों का विरोध कर रहे हैं, निर्दलियों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपने किसी पार्टी से, अपने पार्टी से शिकवा शिकायत किया है? अजय जी विरोध कर रहे हैं जी, हाँ। और हम पार्टी से शिकायत कर रहे हैं? अजय जी कौन है मेरे पार्टी के, मेरे गठबंधन के कौन से पदाधिकारी हैं अजय जी? अजय जी की हम मेरे एम पी के, आपके एम पी सीवान की सांसद हैं, तो हम तो बोल दिए आपसे ऑलरेडी, पहले ही बता दिए कि जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर आते हैं, जिला अध्यक्ष जी आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी आते हैं, प्रदेश के महासचिव लोग आते हैं, तो फिर व्यक्ति विशेष कहीं हो सकता है, कोई बात होगा, कोई कारण हो गया, तो उनसे पूछना चाहिए क्या बात है, क्यों नहीं आई। अच्छा ये बताइए कि अब योगी जी का भी कार्यक्रम आप लोगों ने ले लिया है, 29 तारीख को योगी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है योगी जी का जो जादू है वो दुरांदा विधानसभा क्षेत्र की जनता पे चलेगा क्या? ये जादू की बात नहीं है, जनता मन बना चुकी है, जनता आठ महीना पहले भी दिखा चुकी है, जनता अपना सहयोग, आशीर्वाद, शुभकामना सब कुछ दे चुकी है। आप घूम रही हैं, देख रही हैं, जनता को केवल विकास चाहिए, जनता को ब्यास चाहिए और विकास चाहिए, बाकी किसी के बहकावे में, किसी के किसी के डराने से, न किसी के बहकाने से, न किसी के फुसलाने से, जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता जान चुकी है कि जनता का सेवक कैसा होना चाहिए, जनता का विकास किससे होगा, जनता का न्याय किससे होगा। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, इस सरकार के प्रति जनता जो है अपना समर्पण, अपना मत दे चुकी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। सर ये बताइए, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो है, जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना जानती है, सांप्रदायिकता का, वही कार्ड खेल रही है जिसका पूरा फायदा इस बार के चुनाव में उसको मिलेगा, आपको क्या लगता है कि सच में बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है क्या? क्या आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, हम तो सुने हैं कि शायद आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, आप लोग को तो ये सब सवाल नहीं पूछना चाहिए। सर ये सवाल हम नहीं है, जनता पूछ रही है। जनता नहीं पूछ रही, जनता से पूछ लीजिए, यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब लोग हैं, यहाँ तो हम लोग का एक ही नारा है, हम लोग के देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हम लोग के जो मार्गदर्शक हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो यही कहते हैं, हम लोग का एक ही विचार है, एक ही सिद्धांत है, हम मेरे परिवार का, भारतीय जनता पार्टी परिवार का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका साथ होगा सबका विकास होगा, सबका विकास होगा तो सबका विश्वास होगा, हम लोग यही जानते हैं। ये सब तो अगली पिछली हिंदू मुस्लिम ये सब करने वाले लोग जो होते हैं बहुत दूर, उस सबसे उन लोग को हम लोग जानते भी नहीं, ना स्वीकारते हैं, ना अपने समाज में उन लोगों को शामिल करते हैं। सर ये बताइए, आज आपका दौरा कहाँ कहाँ हुआ और कैसा रुझान मिल रहा है लोगों का? देखिए दौरा तो रोज़ मेरा होता है, एक दो पंचायत, और रुझान की बात आप कह रही हैं, जनता हमको बोल रही है कि केवल सर्टिफिकेट आपको लेना है, अब की बार जनता का नारा है, जनता कह रही है, पिछले बार 28 दिए थे, अब की बार 40 पार, स्पष्ट बोल रही है अब की बार 40 पार। ब्यास जी यहाँ पे और भी आपके कुछ समर्थक और कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा, क्या चाहती है दुरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता? दुरौंदा विधानसभा एक साल पहले, 6 महीना पहले अपना सर्टिफिकेट दे चुकी है और वो विकास को देख चुकी है कि ब्यास जी ने 8 महीने में, 6 महीने में, कोरोना काल में इतने रोड बनवाए कि वो लोग 8 साल में, 10 साल में कोई दुरौंदा का विकास नहीं किया था, और मोदी जी देश का कर रहे हैं और नीतीश जी बिहार का कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए दुरौंदा का कर रहे हैं, दुरौंदा का इतना अच्छा विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लोग का मानसिक सोच बदला है कि ब्यास भैया एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे विधायक है, और उसी तरह से रोड का विकास हुआ, रोड की क्वालिटी आप देख सकती हैं, आप जाइए तो जरूर 2-4 रोड का फोटो खींच के डालिए कि कैसा बन रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? इस बार तो ब्यास भैया तय हैं, NDA से जो भी उम्मीदवार हैं ब्यास सिंह जी, रंजीत सिंह और ब्यास सिंह, वो 100% है, दुरौंदा विधानसभा से इनकी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि बस सर्टिफिकेट लेना है इनको? पहले ही हमारे साहब बोले कि जैसे सर्टिफिकेट लेनी वैसा ही बात है, जीत चुके हैं, पूरी लहजी की जनता मूड बना चुकी है। हम लोग जब भी कभी रात को सिवान में जाएं,
एक फोन कर देते हैं कि साहब हम आए हैं सिवान में, इस डॉक्टर को दिखाना है, साहब हमारे अपने आदमी को भेज के दिखवाते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमने दो बार अभी पिछले महीना में कॉल किया था, बच्चों को लेकर गया तो व्यास साहब ने वो मदद की है, इसलिए मेरा वोट व्यास सिंह साहब। व्यास भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार क्या होगा, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए चाहने कोई जरूरत नहीं, यहाँ की जनता देख चुकी है, 6 माह 8 माह में जो विधायक इतना काम कर दिया जो 8 साल 10 साल में नहीं किया, तो उसमें देखना क्या है। ऑलरेडी यहाँ की जनता व्यास जी को सर्टिफिकेट दे चुकी है। सर आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार, आप तो समर्थक हैं, तो जनता का रुझान किसके तरफ है अब की बार? अब की बार मोदी सरकार बनाना है, हम लोग एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। हम लोग यहाँ विकास हुआ है, हमारे पंचायत में 2-2 रोड लिखे हैं, एक हॉस्पिटल बना हुआ है, पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, इसलिए हम लोग मन बना चुके हैं, पूरे पंचायत की जनता के रुझान है बीजेपी को वोट देना है और सरकार बनाना है। सर आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा और क्या होना चाहिए? क्या होगा, जितना 6 महीने में ब्याज जी विकास किए हैं, मैंने 8 महीने में जितना विकास किए हैं हिंदुस्तान में कोई एमएलए नहीं किया है। जो जानता है शरीफों का वोट देना चाहती है, क्रिमिनल को तो नकार दिया है सिवान की जनता, क्रिमिनल चोर चुहाड़ को वोट देना ही मना कर दिया है, किसी को घूमने से या किसी के बहकाए में नहीं भागेगा, सब लोग नरेंद्र जी के नाम पर वोट देंगे। लेकिन भोला जी तो कह रहे हैं कि हम ही हैं दुरौंदा में और कोई है ही नहीं। वो लोग तो लड़ाई में नहीं है, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, कहने से थोड़ी हो जाएगा, पैसा छीटने से होगा। आपके समर्थकों और कुछ स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि 8 महीने में जितना आपने विकास किया है इससे जनता जो है बहुत खुश है और इस बार भी आपको ही चाहती है। सर ये बताइए कि 8 महीने में तो आपने विकास किया ही है, यदि फिर से दरौंदा की जनता अगर आपको चुनती है तो अब आप क्या करेंगे, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? भारत सरकार और बिहार सरकार, और बिहार सरकार और भारत सरकार के जो भी सिपाही हैं, जो भी कार्यकर्ता है, ये लोग मन बना लिए, भारत सरकार का मदद रहेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें दरौंदा जो है बिहार में अगर कोई विधानसभा सबसे पहले आत्मनिर्भर बनेगा तो दरौंदा को बनाने का प्रयास किया जाएगा, ये मेरा कारण है। ATN लाइव चैनल के माध्यम से आप दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे तो आपका समर्थक बहुत ज्यादा हैं आपके, लेकिन फिर भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता को, जो मेरे ऊपर विश्वास करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, अपने सेवक, अपने भाई, अपने बेटा के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज के अगुवा के रूप में हमको स्वीकारे और अपना मत देके, अपना सर्टिफिकेट देके, अपना सिंबल देके हमको अपना प्रतिनिधि चुने, इसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। हम उन लोगों का हमेशा भी, पहले भी आभारी थे, आज भी आभारी हैं, जो उन लोग का मन है, जो उन लोग का विचार है, जो इच्छा है, जो आशीर्वाद है, जो सहयोग है, जो उन लोग का भावना है, उन सबका सम्मान करते हुए हम कहेंगे कि भाई हम आपके आभारी हैं, हम आपके सेवक के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में जैसे काम करते हैं वैसे काम करते रहेंगे, इतना ही कहेंगे उन लोगों से जो सहयोग किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरौंदा बचा लो चोरों से, कमल खिला दो जोरों से। कर्णजीत सिंह और कुछ समर्थक और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूर्ण समर्थन जो है वो कर्णजीत सिंह के साथ है। अब देखना ये होगा 10 तारीख को जब मतगणना होगी, उस दिन दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर पटना विधानसभा में भेजने का कार्य करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकेश के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव दरौंदा सिवान।